सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सब्जेक्ट की जितनी प्रशंसा करी जाए, आयोजकों की जितनी तारीफ करी जाए, कम है, क्योंकि कठिन को आसान, कठोर को नरम, जीवन को ऊंचा कैसे बनाए, एक ऐसा विषय है। मैं सबसे पहले उन बिंदुओं पे प्रकाश गेरूंगा जिनके कारण हमारा जीवन कठिन से आसान बनता है, अर्थात वे कठिन कौन कौन सी बातें हैं। चाहे गरीबी हो, चाहे पिछड़ापन हो, चाहे अंधविश्वास हो, चाहे अशिक्षा हो, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कठिन जीवन देती हैं। जब हम देखते हैं दरिद्रता जैसी चीज़, दबंगों का हम लोगों को दबाना और शासन और प्रशासन के द्वारा वे संसाधन उपलब्ध न कराना जो उनकी जिम्मेदारी है, जैसे शुद्ध पीने का पानी, शुद्ध पर्यावरण, सड़कों की उपलब्धता, शिक्षा के लिए स्कूल, इलाज के लिए अस्पताल जब नहीं होते तो हमें काफ़ी कठिन जीवन व्यतीत करना पड़ता है। लेकिन कठिन को आसान बनाने का तात्पर्य ये होता है, जैसे आज़ादी के समय में हमारे पे पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं थे, लड़ने के लिए शस्त्र नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रोजगार के लिए अच्छे उद्योग नहीं थे, सरकारी नीतियों में स्पष्टता नहीं थी और एयरपोर्ट नहीं थे, हाईवेज स्कीम नहीं थी, मेट्रो और बढ़िया अच्छी स्पीड की ट्रेनें नहीं थी, पहाड़ों से प्लेन का, प्लेन से रेगिस्तान का और रेगिस्तान से समुद्री मार्गों का संसाधन नहीं थे। लेकिन हमारे महान लोगों ने जिस तरीके से हमें आज़ादी दिलाई, ठीक उसी तरीके से वे सारे संसाधन उपलब्ध कराए जिनके कारण हाईवे बन पाए, लड़ने के संसाधन बन पाए, मेट्रो ट्रेन बन पाई, अस्पताल बन पाए, कॉलेजेस बन पाए और ग्लोबलाइजेशन हो पाया। और जब हम अपने जीवन को ऊंचाई देना चाहते हैं तो दुखों को हमें सहना पड़ता है, बरसात को सहना पड़ता है, गर्मी को सहना पड़ता है, लेकिन हमें सकारात्मक होके ना गर्मी की परवाह करनी, ना सर्दी की परवाह करनी, ना भूख की परवाह करनी, बस एक ही मंजिल है कि जीवन को ऊंचा बनाना है। और जब हम अपना ऊंचा जीवन बनाने की कोशिश करते हैं या दूसरों का जीवन ऊंचा बनाने की कोशिश करते हैं, अर्थात उनके कठोर जीवन को नरम बनाना चाहते हैं, तो सेवा का भाव स्वतः ही उज्ज्वल हो जाता है। हमारे इतिहास में एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिनके कारण हमने आज़ादी पाई, जिनके कारण हमने अपने कठिन से कठिन मार्ग को नमन करते हुए आगे बढ़ाया। चाहे हम हनुमान जी की बात कर लें, जिन्होंने समुद्र पार करने के लिए सबको नमन करते हुए श्रीलंका में पहुंच के सीता जी की खोज करी। और चाहे हम बात कर लें आज़ादी के उन वीर दीवानों की जिनके कारण हमने आज़ादी प्राप्त करी, और चाहे हम बात कर लें उस किसान पुत्र, व्यापारी पुत्र, उद्योगपति की जिसने कठोर से कठोर संघर्ष का सामना करते हुए अपने सरकारी ढांचे में काम करते हुए इस देश के अंदर उद्योग खड़े करे और भारत के तिरंगे को जन जन तक प्रिय करते हुए पूरे विश्व में जिसकी पहचान बनाई। आज हम अनेकों ऐसी समस्याओं से गुजरते हैं जहां पे हम पे गुंडा राज हावी हो जाता है, परंतु उसके बावजूद भी इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण है जिनकी लोग असाई होती रही, लेकिन उन्होंने
माइलस्टोन बन के स्वयं को ये सिद्ध करा कि हम कुछ करना जानते हैं, हम कुछ चलना जानते हैं, हम अपनी पहचान अपने आप बनाना चाहते हैं। कई लोगों ने पूरे के पूरे पहाड़ काट के रास्ते बना दिए, कई लोगों ने नदियों को जोड़ के बाढ़ की समस्या से हमें निजात दिला दी, कई लोगों ने लोहे से हवाई जहाज बना के उसको उड़ा दिया, कई लोगों ने अपनी सोच के कारण बिजली बना दी, कई लोगों ने अपनी सोच के कारण आधुनिक से आधुनिक हथियार बना दिए, कई लोगों ने मोबाइल बना दिए, कई लोगों ने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री खड़ी कर दी, कई लोगों ने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के चौमुखी विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट आउटडोर पीओपी पीआर और सोशल मीडिया को मॉडर्नाइज कर दिया, कई लोगों ने अस्पतालों के माध्यम से दवाई उद्योग को खड़ा कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब जब हमें जिस जिस चीज की जरूरत पड़ी, कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, हम लोहे की बात कर लें, हम शीशे की बात कर लें, हम सोने की बात कर लें, हम चांदी की बात कर लें, हम पत्थर की बात कर लें, हम लकड़ी की बात करते हैं, सब चीज हार्ड होती है, लेकिन उन चीजों को जिनसे नरमाई मिलती है, उन सब हथियारों का आविष्कार करके नई पहचान देके हमने इन सब चीजों को कमांड करा और विश्व के अंदर एक उदाहरण तय करा कि योग के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं, दवाइयों से निजात पा सकते हैं, मशीनों का आविष्कार कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अपनी हर चीज की पहचान विज्ञापन के माध्यम से बना के आने वाली पीढ़ी को विज्ञापन के राज बता के विज्ञापन के जगत को ऊंचाई दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स में सहयोग कर सकते हैं और आने वाले समय को हर प्राणी उद्योग जगत से स्वयं को जोड़ता पाएगा, ताकि हमारे कठिन समय आसान हो सके, हमारे कठोर समय नरम हो सके और हम जीवन की उन ऊंचाइयों को छू सके जिनको सुभाष चंद्र बोस ने छुआ, महात्मा गांधी ने छुआ, नरेंद्र मोदी ने छुआ और यही हमारा तिरंगा सिखाता है। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें, वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें, ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।